50 हॉर्स पावर की श्रेणी में न्यू हॉलैंड का ऑलराउंडर न्यू हॉलैंड 3600-2 और 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में जॉन डियर का ताकतवर शेर जॉन डियर 50-50 T। और आज के वीडियो में करेंगे इन दोनों ही ट्रैक्टर्स की तुलना और बताएंगे कौन सा ट्रैक्टर है शेर और कौन सा है सवा शेर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है हम आपके लिए हमारे चैनल पर ट्रैक्टर कंपैरिजन लाते रहते हैं। न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है लगभग हर काम के लिए उसके नाम के जैसे ही। तो वहीं जॉन डियर 50-50 T पसंद किया जाता है उसके बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस के लिए जो भारतीय कंडीशंस के हर हैवी काम के लिए बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, टॉर्क, बैकअप टॉर्क, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। शुरुआत करेंगे ट्रैक्टर के लुक से। 3600-2 ऑलराउंडर में आपको मिलती है न्यू हॉलैंड स्टाइलिंग सीडी पेंट जो चले सालों साल। तो वहीं जॉन डियर में भी आपको वही जॉन डियर स्टाइलिंग मिलती है, अट्रैक्टिव लुक्स है, दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया दिखते हैं। इंजन की बात करें तो 3600-2 ऑलराउंडर में आपको मिलता है 49.5 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन जो काम करता है 2100 RPM पर। तो वहीं जॉन डियर 50-50 T में आपको मिलता है 50 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन जो काम करता है 2100 RPM पर। बात करें अगर टॉर्क की तो 3600-2 ऑलराउंडर आपको देता है 187 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो वहीं जॉन डियर में आपको मिलता है 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बैकअप टॉर्क की बात करें तो डैश टू में आपको मिलता है 26% का बैकअप टॉर्क, तो वहीं 50-50 T में आपको मिलता है 27% का बैकअप टॉर्क। जॉन डियर के लगभग सारे मॉडल्स में आपको अच्छा खासा बैकअप टॉर्क ऑफर होता है। SFC की बात करें तो न्यू हॉलैंड डैश टू में आपको मिलती है 248 G पर KWH का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो वहीं जॉन डियर 50-50 D में आपको मिलता है 270 G पर KWH का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको सिंगल क्लच तथा डबल क्लच का ऑप्शन उपलब्ध है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में तगड़ा कंपटीशन है। न्यू हॉलैंड 3600-2 में आपको 2 गियरबॉक्स ऑफर होते हैं, फुल्ली कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स और पार्शियल सिंक्रोमेश गियरबॉक्स। उसी के साथ आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ही 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर का ऑप्शन उपलब्ध है। वहीं जॉन डियर 50-50 T में आपको 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर के साथ कॉलर शिफ्ट गियरबॉक्स ऑफर होता है। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो डैश टू में आपको मिलती है 34 किलोमीटर प्रति घंटे की आगे की स्पीड और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की पीछे की स्पीड। जॉन डियर 50-50 T में आपको मिलती है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की आगे की स्पीड और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की पीछे की स्पीड। स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको पावर स्टीयरिंग ऑफर किया जाता है। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही कंपनियों ने सुरक्षा का ख्याल करते हुए ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए है। बात करें अगर PTO यानी पावर टेक ऑफ की तो 3600-2 में आपको मिलता है 46 हॉर्स पावर का PTO 540 RPM इंजन के 2100 RPM पर। तो वहीं जॉन डियर 50-50 T में आपको 43 HP का PTO मिलता है जो काम करता है 2100 RPM पर। न्यू हॉलैंड 3600-2 में आपको इप्ट्रा PTO का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको 7 स्पीड PTO मिलते हैं जिसमें 540, 540 रिवर्स, 540 इकोनॉमी और 4 ग्राउंड स्पीड PTO शामिल है। जॉन डियर 50-50 T में आपको 540 के साथ ही 540 E और 540 के साथ 540 रिवर्स PTO का ऑप्शन ही उपलब्ध है। बात करें अगर हाइड्रोलिक्स की तो न्यू हॉलैंड उठा सकता है 2000 किलोग्राम तक का वजन। इसमें आपको ड्यूअल DCV वाल्व के साथ ही लिफ्टोमेटिक बटन की सुविधा दी हुई है। तो वहीं जॉन डियर 50-50 T उठा सकता है 1600 किलोग्राम तक का वजन जिसमें आपको ड्यूअल स्पूल वाल्व की सुविधा भी दी हुई है। बात करें अगर टायर साइज की तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको आगे में 6/16 और 7/50/16 के ऑप्शंस उपलब्ध है, तो वहीं पीछे में 14/9/28 के साथ ही 16/9/28 के ऑप्शंस उपलब्ध है। बात करें अगर डीजल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको 60 लीटर का डीजल टैंक ऑफर होता है। वहीं बात करते हैं अगर कीमत की भी तो न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर की कीमत चालू होती है लगभग 6,80,000 से, तो वहीं जॉन डियर 50-50 D की कीमत चालू होती है 6,70,000 से। तो किसान भाइयों,
इन दोनों ही ट्रैक्टर में से कौन सा ट्रैक्टर लेना आप पसंद करोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ये ट्रैक्टर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर। हमारे एप्लीकेशन पर जाकर आप इनमें से किसी भी ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके इस ट्रैक्टर की कीमत आपके एरिया में क्या रहेगी इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल को ट्रैक्टर से जुड़े नव नवीन वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन किसान भाइयों के साथ जो 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।